नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। कई सारे लोगों के कॉल कंटिन्यूअसली आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि हमको अनसिक्योर्ड लोन देना है और उसके लिए सबसे सस्ता और आसान उपाय क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज सबसे सस्ता और आसान रजिस्ट्रेशन का उपाय बताने जा रहा हूँ। आखिरी तक देखिएगा, पूरा क्लियर होने वाला है और इसका निधि के साथ कुछ कनेक्शन है कि नहीं ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर हमको अपने एरिया में लिमिटेड जगह में लोन देना है, अनसिक्योर्ड लोन देना है, और अगर कहीं पर सिक्योरिटी भी लेना चाहें तो ये अगर आपका ऑप्शन हो, ऐसा आप चाहते हैं, तो एक बेहतरीन सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूं। वो है साहूकारी लाइसेंस, जो कि मनी लेंडर्स एक्ट के तहत दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग मनी लेंडर्स एक्ट के तहत साहूकारी लाइसेंस के बारे में ब्रॉड प्रोविजंस, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि आसानी से आप समझ सकें, एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहला ये कि साहूकारी लाइसेंस मनी लेंडर्स एक्ट के तहत दिया जाता है। दूसरी चीज ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी फर्म को या फिर किसी और को नहीं दिया जाता, क्योंकि साहूकार कोई व्यक्ति होता है। तीसरी चीज ये कि उस व्यक्ति को लोन पर पैसे देने रहते हैं, वो पैसे वो अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकता है और वो चाहे तो उसके बदले में कोई मॉर्गेज भी ले सकता है। चौथी चीज, ये एक साल के लिए वैलिड होता है। पांचवी चीज, यहां पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 24% तक नॉर्मली, कुछ खास बात नहीं है, इतना लेते ही लेते हैं, इससे काफी ऊपर भी मैंने लेते हुए देखा है। अगर आप साहूकारी वाला काम करें तो जरूर थोड़ा सा लिमिट में पैसे लीजिएगा, ताकि जो ले रहा है वो वापस से लेता रहे, आपका बिजनेस कंटिन्यूअस रोलिंग में चलता रहे। मैं आपको फिर से बता दूं, ये साल भर के लिए होता है। तो दोस्तों, साहूकारी लाइसेंस के लिए कुछ मैंडेटरी बातें मैं आपको बताऊं। लाइसेंस लेने के प्रोसीजर से पहले कभी भी लाइसेंस देने वाला ये देखता है क्या उस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, हाँ या ना। अगर उस व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाना चाहिए, इसका मतलब कि समाज में उसकी रेस्पेक्ट ठीक ठाक है, गुडविल ठीक ठाक है, कहीं पर कोई ब्लैकलिस्टेड नहीं है, कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अगर किसी को साहूकारी लाइसेंस लेना है तो। दूसरी चीज ये कि जिस जगह पर वो बिजनेस करने वाला है, वो जगह सही जगह बिजनेस करने के लिए है या नहीं है, जहां पर वो ऑफिस जैसा यूज कर पाए या फिर वहां पे लोग आकर उनसे मुलाकात कर पाए, तो वो प्लेस भी हमको बताना रहता है कि किस जगह पे हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तीसरा चीज, लाइसेंस देते समय ये देखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग ये लाइसेंस सही दे रहे हैं कि नहीं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट जो लाइसेंस दे रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट में सही दे रही है या नहीं दे रही है। ये तीन चीज जब कंफर्म हो जाती है, उसके बाद ही लाइसेंसिंग प्रोसीजर को पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जाता है और लाइसेंस दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस मिलता कैसे है। सबसे पहले फॉर्म ए फिल करना पड़ता है। फॉर्म ए कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको पहले तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। आपके एरिया का जो तहसीलदार है उनके पास जाइए, फॉर्म ए लीजिए, फॉर्म ए के सारे फील्ड्स को फिलअप करिए, फिलअप करने के बाद उनके पास जमा करिए। जमा करने के बाद तहसीलदार ऑफिस से पूरा निरीक्षण होगा, आपके बारे में जानकारी अलग अलग जगह से ली जाएगी, ताकि ये देखा जाए कि आप देने योग्य हैं कि नहीं है। पांचवी चीज, जब ये सारी चीजें हो जानी है, उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन देते समय क्या क्या कंडीशंस रहेगी, मैं उसको सिर्फ एक दो कंडीशन बता रहा हूं। सबसे पहला कि एक साल के लिए लाइसेंस रहेगी। दूसरी चीज, वहां पर लिखा रहेगा कि आप लिमिटेड इंटरेस्ट रेट लें, लेकिन स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे से नहीं है, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, इसीलिए आपको मेरा अनुरोध फिर से कि लिमिटेड लीजिएगा, आप कमाइए लेकिन लिमिटेड लीजिए। तीसरा चीज ये, आप मॉर्गेज भी ले सकते हैं। चौथा चीज ये कि जो भी हम लोग मॉर्गेज लें या चेक लें गारंटी के रूप में, उसकी लिखा पढ़ी प्रॉपरली करें। अब जिसने लोन लिया है, अगर उसको किसी समय लगता है कि ये जो लोन के टर्म्स है बहुत ज्यादा हार्श है या प्रॉब्लमेटिक है, तो वो कोर्ट में अपना शिकायत दर्ज करा सकता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और कोर्ट ऐसे लाइसेंस धारी को बुलाकर
उसके एग्रीमेंट्स को जरूर चेक करने का पूरा अधिकार रखती है, और चेक करके वो बता सकती है या फिर निर्देश दे सकती है कि आप ऐसा करिए कि उनका रेट कम कर दीजिए या फिर उनसे मूलधन ले लीजिए। कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार कोर्ट को रहता है, और चाहे तो वो लाइसेंस को रद्द करने का भी रिकमेंडेशन दे सकती है। तो ओवरऑल मैं बता दूं, साहूकारी लाइसेंस, अनसिक्योर्ड लोन भी दे सकते हो आप, सिक्योर्ड लोन भी दे सकते हो, 1 साल के लिए आपके पास में रहेगा, आपका गुडविल सही होना चाहिए, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से, 24% सालाना तक लोग चार्ज करते हैं, इसका मतलब 2% पर मंथ बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस पे चार्ज करते हैं। आप उसके बदले कोई एग्रीमेंट बनाइए, कोई उसमें मॉर्गेज भी रखना चाहे तो बिल्कुल मॉर्गेज रख सकते हैं। वहां पे मैंडेटरी रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो इतने सारे चीजों को आप कंप्लाइंट करेंगे तो ये वाला लाइसेंस आपके लिए बहुत काम आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि निधि वाला मेरा वीडियो था, उस वीडियो के बाद मैक्सिमम लोगों का कॉल आया, व्हाट्सएप आए, सारा उन्होंने कम्युनिकेशन किया, मैंने भी मैक्सिमम जगह पे कमेंट्स पे जवाब दिए। कमेंट्स पे मैं जवाब जरूर देता हूँ। निधि के साथ में साहूकारी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहिए क्या, निधि लेना चाहिए क्या, साहूकारी लाइसेंस लेना चाहिए या फिर दोनों लेना चाहिए, तो इसके लिए अगला वीडियो जरूर देखना है आप लोगों को। और कमेंट में जो भी लिखेंगे उसको जवाब जरूर मिलने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।